हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमजी टेक हिंदी में। मेरा नाम मुकेश है और आज हम एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एवरीडी का प्रोडक्ट जो है रूम हीटर। दोस्तों, विंटर सीजन आ गया है और आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज हमारे पास है एक एवरीडी का रूम हीटर जिसका मॉडल नंबर है QH800। दोस्तों, ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है और ये टोटल 800 वाट बिजली कंजप्शन करता है, लेकिन आप इसको डिवाइड कर सकते हो आधे आधे में। तो अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा हीटिंग की नहीं है तो इसको 400 वाट में ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो आप इसको 800 वाट में ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ अनबॉक्सिंग और फीचर और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊँगा, कैसे ऑपरेट करते हैं और इसकी फंक्शन क्या है, क्या आपके लिए रूम के लिए सेफ है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी टेक्निकल जानकारी और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बॉक्स के सामने आपको कुछ इस हीटर का डिज़ाइन मिल जाएगा और नीचे आप देख रहे हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दे रखा है, जिसमें ये 800 वाट का ये हीटर है और ये 1 ईयर की वारंटी है और जिसका मॉडल नंबर है QH800। इसका मॉडल नंबर है और ऊपर इसमें और कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। आप देख सकते हो जो इसका प्राइस दिया गया है वो है 1495 रुपये का, बट मुझे ये अमेजोन पे 1000 रुपये का मिल गया था। और देखते हैं कुछ साइड में इसके क्या क्या दे रखा है। और तो आप देख रहे हैं साइड में कुछ इसके स्पेसिफिकेशन और एडिशनल दे रखे हैं, जिसमें आपको इसमें बताया गया कि ए ड्यूअल हीट सेटिंग इसमें दिया गया है और इसमें सेफ्टी स्विच भी है। अगर आपको गलती से कोई हीटर अगर टेबल से गिर जाता है तो वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसमें ड्यूअल ट्यूब डायरेक्ट हीटिंग वाला ऑप्शन भी है, आप चाहो तो एक चला सकते हो। अगर आपको कम हीटिंग चाहिए तो आप एक चलाओ, या फिर अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको इसमें दो ऑन कर सकते हो। दोनों का अलग अलग ऑप्शन है इसमें और इजी टू कैरी है और पावर इंडिकेटर भी सामने दे रखा है और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन इधर दिए हैं और पीछे भी सेम वही लोगो दे रखा है और सेम चीज़ इधर भी कुछ की हाईलाइट यहाँ पे दिया गया है जो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसको खोल के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी और इसमें टूटने का डर काफ़ी कम हो जाता है। होम में पैक होके आया है ये, तो इसको निकालते हैं। अंदर आपको कुछ मैनुअल भी मिल जाएगा, वारंटी कार्ड है और इसका ये मैनुअल है, आप इसको देख के इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसको मैं रखता हूँ इसी के अंदर। तो कुछ ऐसा दिखता है अपना रूम हीटर जो एवरीडी का है, काफ़ी खूबसूरत है देखने में भी और आप इसको ऐसे गेस्ट रूम में भी इसको लगा सकते हैं, काफ़ी देखने में खूबसूरत है। और दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है और जो दोस्तों ये जो पीछे का हिस्सा है वो मेटल का है और ये मुझे कुछ कुछ प्लास्टिक सा नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी सॉलिड जो भी है प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड है। ये जो भी मटेरियल इसमें यूज किया गया है काफ़ी सॉलिड मटेरियल है। और इसका एक केबल है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ इसकी लेंथ कितनी है। दोस्तों, मैं इस केबल की लेंथ भी आपको दिखा दे रहा हूँ, केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है और आप इजीली इसको आप लगा सकते हो अपने रूम में। थोड़ा सा अगर आपका एक्सटेंशन बोर्ड थोड़ा सा दूर भी है तो काफ़ी अच्छा खासा वायर है, आप इसको इजीली लगा सकते हो और चेक कहीं भी इसको रख सकते हो। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इसका केबल है 2 मीटर के आसपास है, तो अच्छी चीज़ है ये। इसमें आपको 2 रॉड मिलेंगे, एक ये रॉड है और दूसरा ये वाला रॉड है। अगर आप इसको 0 पर रखते हो तो ये बंद रहेगा, अगर आप 1 पे करते हो तो सिंगल रॉड आप इसमें जला सकते हैं और अगर इस पर आप इसको स्विच कर देते हो 2 पे तो ये दोनों रॉड जलने लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप सिंगल जलाते हो तो इसमें 400 वाट बिजली कंजप्शन होगा और इसमें अगर दोनों जलाते हो तो 400
प्लस 400 आपको 800 वाट का कंजम्पशन होगा बिजली का, और ये इसका पावर इंडिकेटर है। तो चलिए मैं इसको एक बार जला के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। तो दोस्तों अभी मैंने पावर ऑन कर दिया और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लाइट जलने लगी, और मैंने दो पे स्विच कर रखा है तो दोनों रॉड जलने लगे हैं। आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हीट दे रहा है। और अब मैं इसे एक पे स्विच कर दिया, आप देख सकते हो अब इसमें सिंगल रॉड, ऊपर वाला ही रॉड इसमें आपको जलते हुए दिख रहा होगा, और जैसे ही आप इसको दो पे करोगे तो नीचे वाला रॉड भी ग्लो करने लगेगा। देखिए दोस्तों कुछ देर बाद ये नीचे वाला भी अब ग्लो होने लगा, काफ़ी अच्छी खासी हीट आ रहा है। और आपको मतलब एक नॉर्मल विंटर में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, और आपको अच्छा खासा हीट देगा आपके रूम में। एक सिंग अगर आपका एक मीडियम साइज़ का रूम है तो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट है ये रूम हीटर, आप इसके साथ जा सकते हो। क्योंकि एवरीडे का प्रोडक्ट है तो आप ब्रांड पे भी भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड अपना वैल्यू कभी भी कम नहीं करना चाहेगा, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप इसको कंसिडर कर सकते हो इस सर्दी में। और चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ सेफ्टी पिन इसका कैसे काम करता है। सपोज दैट अगर आपका ये रूम हीटर जल रहा है और गलती से ये गिर गया, देखते हो देख जैसे ही आप इसको पिक करते हो तो सारा ऑफ हो गया लाइट, क्योंकि जो ये नीचे का जो बटन है ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ कर देगा इसको। तो गलती से अगर आप इसको ये जलने लगा, देख रहे हो गलती से अगर आप ये गिर गया नीचे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, देख रहे हो अब ये ऑफ हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, गलती से किसी बच्चे से भी गिर जाए आपके घर में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस रूम हीटर को ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके इसको परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, जिसकी प्राइस आपको 1000 के आसपास पड़ेगी। अगर कोई ऑफ़र है तो आप इसको साथ में ऑफ़र भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।